गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। आप लोग को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आप लोग के लिए आज लेके आया हूँ फिजिक्स न्यूमेरिकल पार्ट 3। और ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। सिर्फ आप लोग इस प्रश्न को ही ना समझें, इस तरह के रिलेटेड सारे प्रश्नों को आप लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का पहला क्वेश्चन। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराया जाता है, तो 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि वेग निकालना, और वेग के लिए आप लोग सूत्र जानते हैं, v = u + at। जब आपका u और a और t जब दिया रहता है, तब आप फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, v = u + at। आपको न्यूमेरिकल को भांपना पड़ेगा कि आखिर क्या निकालना है, और उसके अनुसार ही आप सूत्र लगाएंगे, तभी आपका प्रश्न का जवाब हो पाएगा, अदरवाइज आपका जवाब नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे v निकालना है, तो v = u + at। u का मान चूंकि नहीं दिया हुआ, इसका मतलब प्रारंभिक वेग 0, प्लस a का मान दिया हुआ 9.8, गुना t का मान दिया हो 3, जब गुना करते हैं 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आप इसे अच्छी तरह से देख लें, इसका आंसर बी हो जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2। एक वस्तु विरामावस्था से मैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है, तो 5 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगी? तो देख रहे हैं कि विरामावस्था से कोई भी चीज शुरू होता है, तो वहां पे यू का मान 0 होता है, तो यू का मान 0, और उसके बाद ए का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी का मान 5 सेकेंड। तो यहाँ पे देख रहे हैं दूरी निकालना, दूरी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, कल ही पिछले क्लास में ही बताया है कि s = ut + ½ at2। जब इस सारे चीज को पुट करते हैं तो आपका आंसर 125 मीटर आता है। चूंकि टाइम बहुत ज़्यादा खींच लेता है, इसी कारण से मैं फास्ट बताता हूँ। अगर आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत हो तो मैं 2 ही सवाल लाऊंगा, लेकिन आपको समझा के छोड़ूंगा, तो आप लोग कमेंट करके ये बताएं। तीसरा प्रश्न, एक कार की चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण क्या होगा? तो ऑप्शन इस प्रकार है, आप लोग देख ही रहे हैं। सबसे पहले यू दिया हुआ 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको सबसे पहले क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देते हैं, तो इसका मान हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। उसी प्रकार बी का मान दिया हुआ 54 किलोमीटर प्रति घंटा, जब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टी का मान दिया हुआ 10 सेकेंड, तो हम लोग जानते हैं त्वरण के लिए एक सूत्र, जब प्रारंभिक वेग यानी यू और बी दिया रहता है तो सूत्र लगाते हैं a = v - u/t, और जब सॉल्व करते हैं तो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ओके, चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर। 3 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर यदि 12 न्यूटन बल लगता है तो उसका त्वरण क्या होगा? तो त्वरण निकालने के लिए देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका बल भी दिया हुआ है और यहाँ पे मास मतलब द्रव्यमान दिया हुआ है, तो F = ma से फॉर्मूला से a = F/m, और इस प्रकार से ज़्यादा सब जार सारा चीज पुट कर देते हैं तो वैल्यू निकलता है 4 मीटर पर सेकेंड। इस पर यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस प्रकार का न्यूमेरिकल रहता है उसमें सूत्र भी उसी प्रकार का लगाते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ पा रहे होंगे। उसी प्रकार किसी वस्तु को 5 सेकेंड कार्य करने में 20 जूल ऊर्जा खर्च होती है तो उसका शक्ति क्या होगा? तो शक्ति को डिनोट करते हैं पी से, और पी बराबर होता है w/t, और w मतलब कार्य, कार्य का मान था 20 और t का मान था 5, तो यानी 4 वाट। इस प्रकार से सारे प्रश्न का हल कर लेते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा तेजी से बता रहे हैं, आप लोग भी तेजी से समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। अगले टाइम में फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक मेरे चैनल से जुड़े रहें, और नए सब्सक्राइबर मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे बनाया हुआ वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।